You can watch this video with English audio on my alternate channel Career Master channel. आप इस वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे alternate channel youtube.com/careermasterchannel पर देख सकते हैं. Welcome to my channel. मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/mdmudassiralam पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ. हमेशा की तरह एक नई जानकारी लेकर मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूँ. मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पीएचडी में एडमिशन की नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है. खास बात है कि इस बार आपको टेस्ट नहीं देना होगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ चेंज किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है. आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स में एडमिशन के रिगार्डिंग चैनल पर अपलोड करो तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए. सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वेबसाइट. URL है www.cusb.ac.in. वेबसाइट में जब आप यहां जाएंगे, एडमिशन 2021 CUSET के थ्रू एडमिशन नहीं होगा. यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप में एडमिशन ले रही है पीएचडी कोर्सेज में, पीएचडी प्रोग्राम में. कुल 25 सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जब आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा. जैसा कि आप देख रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2021-22 शॉर्ट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2021-22 Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट है. शॉर्ट एडवर्टीजमेंट इंग्लिश और हिंदी में आप देख सकते हैं. इसमें बताया गया है कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद वापस चलते हैं. यह डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने है. 25 अगस्त की नोटिस है. नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2021-22. ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द पीएचडी फुल टाइम पार्ट टाइम प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22 थ्रू द लिंक. ये लिंक है, इस लिंक से आपको अप्लाई करना है. शेड्यूल फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज आप देख सकते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हैं. ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25th of August 2021. एक्टिवेशन ऑफ पेमेंट लिंक 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आप पेमेंट कर सकते हैं. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी 10 सितंबर 2021 फ्राइडे 11:50 तक आप कर सकते हैं. पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद इंटरव्यू डेट्स 15 सितंबर 2021. वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू इन ऑफलाइन मोड यानी आपको आना पड़ेगा बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स फ्रॉम 21st of September to 30th of September थर्सडे. अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन 5th of October 2021. डेट फॉर डिपॉजिशन ऑफ फी फॉर एडमिशन 6th of October to 8th of October. एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसी 12th October to 13th October. आगे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है. अप्लाई करने की विधि बताई गई है, आप इन गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें. जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपये फी है एप्लीकेशन फी. एससी एसटी ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपये. पीडब्ल्यूडी के लिए नीट. आप सारे टर्म्स कंडीशन अच्छे से पढ़ लें. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दी गई है. डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है आपको मैं फिर से बता दूँ, जिसके लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा. कौन कौन से क्राइटेरिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैं इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ. जिन लोगों ने JRF नेट क्वालिफाई किया है या गेट क्वालिफाई किया है वो क्वालिफाई कर जाते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए. इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. आप सारे गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें. गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें. आपको ये बता दें कि कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पे कितना मार्क्स आपको चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो भी दिया गया है. डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी एक्शन 2 में किया गया है. मोड ऑफ इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यूज के बारे में बताया गया. वेन्यू कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एक्शन 3 में बताया गया. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, हेल्पलाइन, ये सारी जानकारी दी गई है. तो इस डॉक्यूमेंट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसे आप क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं. वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको मैं शेयर करता चलूँ कितनी सीट्स कौन से कैटेगरी में है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये आप देख लें, इस डॉक्यूमेंट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस टोटल सीट्स आप देख सकते हैं. 25 प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं. अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट्स हैं. कुल 212 सीट्स हैं सारे कैटेगरीज को
मिलाकर। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के इस पेज को विजिट करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स लॉट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।